तो आज इस्माइल को बहुत ही ज़्यादा फीवर है। तो यहाँ पे इस्माइल की हालत देख लीजिए, तो ये अभी 5 दिन हो रहा बुखार आके, और दवाइयाँ ले ले को भी आ रही हूँ क्योंकि कम नहीं हो रहा। आप लोग दुआ करिए कि ये बहुत जल्दी ठीक हो जाए, और इसे फिक्स भी है तो डॉक्टर ने कह दिया है शाम तक एडमिट करना। पता नहीं मैं इतना पैसों का अरेंजमेंट कहाँ से करूँ, तो यहाँ पे पूरे दवाइयाँ दिखा रही हूँ मैं और आपको बात कर रही हूँ, तो मैं क्या करूँ समझ में नहीं आ रहा। अभी 10 से 20 हज़ार तक का खर्चा आएगा, मैं इतना पैसा कहाँ से लूँ। सारा सब कुछ अरेंजमेंट मैं वंटी करती हूँ और मुझे कोई भी हेल्प नहीं करता, तो बस मुझे इसी की टेंशन है मैं किस तरह से अभी ये सब कुछ करूँ। तो बहुत ज़्यादा फीवर होने के बाद मैं फ़ाइनली इस्माइल को बुलाने को जाने का डिसीशन ली, बस अल्लाह के ऊपर उम्मीद रख के जा रही हूँ। तो मुझे तो बहुत ज़्यादा फिक्र है, दुआओं की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा दुआ करिए कि मेरा बच्चा वापस से हँसता खेलता हो जाए, वो फिर नॉर्मली जैसा सब बच्चे रहते हैं वही वैसा ही हो जाए। कभी कभी मैं ये सोचती हूँ मेरे सारे बच्चों की परेशानी दूर करने के लिए अपनी किडनी किसी को डोनेट कर दूँ क्या, सारे घर की परेशानी ही हल हो जाएगी। तो बस मुझे कभी कभी नाउम्मीद हो जाती हूँ मैं इन सारे परेशानियों के देख के। अगर कोई हेल्प करने वाला हो, कोई हौसला देने वाला हो, तो बहुत हिम्मत मिलती है। जब कोई भी हिम्मत नहीं दे रहा, कोई सपोर्ट नहीं करता पैसों का, तो बहुत ज़्यादा परेशान होती हूँ मैं। तो आज बहुत ज़्यादा परेशान हूँ मैं, पता नहीं मैं कैसे करूँगी इतना सब कुछ हैंडल। आप लोग दुआ करिए क्योंकि दुआओं की ज़्यादा बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। बुखार, खांसी, सर्दी और दो वायरल बुखार और नॉर्मल बुखार दोनों मिक्स हो चुकी है मेरे बच्चों को उसी तरह से, और उसे सारा स्किन इन्फेक्शन भी हो गया और अंदर मुंह के अंदर भी स्किन इन्फेक्शन हो गया। खांसी और सर्दी तो बहुत ज़्यादा है, नेबुलाइजर दे रही हूँ दिन रात, फिर भी उसके बावजूद भी इसे कम नहीं हो रही बुखार है। तो प्लीज़ आप जितना हो सके उतना दुआ करिए क्योंकि आपकी दुआ हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट करती है फ्रेंड्स। तो प्लीज़ आप लोग दुआ करिए। तो आज रिज़ल्ट भी था, मुझे रिज़ल्ट लेने के बाद मुझे हॉस्पिटल को जाना था, तो यहाँ पे मैंने फाइनली रिज़ल्ट ले ली बच्चों का। तो ये रहा नाजिर का, इस्माइल का उसका असली नाम है नाजिर। तो यहाँ पे नाजिर का रिज़ल्ट आ गया है, 95% मेरा बेटा लिया है। और ये है इखरा का, इखरा ली है 92%। और मेरे बच्चे सारे पढ़ाई में बहुत अच्छे हैं, अल्लाह इनको और ऐसे ही आगे कामयाब दिखाते रहें, बस अल्लाह से ये दुआ। और ये इनके टेस्ट पेपर से एग्ज़ाम्स पेपर जो भी इन्होंने एग्ज़ाम लिखे, और सारे में मेरे बच्चे बहुत अच्छा एग्ज़ाम लेते हैं। तो यहाँ पे एग्ज़ाम का पूरी फाइल भी दे डाले, और एडमिशन इस बार 10,000 है, कैसा करूँगी पता नहीं। सारा सब कुछ हॉस्पिटल को जा रहा है, इसमें कैसा पैसा खर्चा लगाऊँगी मुझे खुद नहीं मालूम हो रहा। तो यहाँ पे ये रहा इस्माइल का, इखरा का। तो यहाँ पे सब कुछ तो वो होने के बाद मैं फ़ौरन हॉस्पिटल आई और सीधा इस्माइल को एडमिट कर लिए। और यहाँ पे मैं बैठी हूँ, ये मॉर्निंग का टाइम है, और यहाँ पे पट्टी भी सेक रहा है और इधर ग्लूकोज भी चढ़ रहा है बच्चे को, तो पता नहीं और कितने दिन रहना पड़ेगा इधर जेल खाने में। मुझे बच्चे तो ऐसा ही लगता है, जेल खाना जैसा लगता है। तो इस क्या करूँ मुझे कुछ भी समझ नहीं आ, सुबह से लेकर अब तक 8 से 9 हज़ार तक खर्चा हो चुका है, बहुत सारे दवाइयाँ मंगा रही हैं। और यहाँ पे मेरे अब्बा आई बैठी बच्चे को बाहर उठा ले को, क्योंकि वो कुछ ना खा रहा है ना पी रहा है, खाने और पीने तक भी कुछ भी नहीं हो रहा, इसे क्या करना समझ में नहीं आ रहा। तो प्लीज़ आप लोगों दुआ करिए कि जल्द